बीजेपी नेता आज कुलदीप बिश्नोई से खास बातचीत। आदमपुर उपचुनाव पर बोले कुलदीप बिश्नोई, उपचुनाव में भव्य की होगी भव्य जीत। कुलदीप बिश्नोई ने यहां पर भव्य बिश्नोई की जीत का बड़ा दावा किया है। आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई को देगी आशीर्वाद। आदमपुर हल्के का करवाएंगे विकास, भव्य लोगों की उम्मीदों पर उतरेगा खरा। भूपेंद्र हुड्डा पर भी साधा निशाना। बड़ी खबर, कुलदीप बिश्नोई ने भव्य बिश्नोई की जीत का बड़ा दावा कर दिया है। आदमपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी सियासी दलों ने अपनी कमर भी कस ली है। इस बीच कुलदीप बिश्नोई का ये उम्मीद जताना कितना खरा उतरेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आदमपुर की जनता कितना विश्वास करती है भव्य पर वो भी देखने वाली बात होगी। तो कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ कहा है सुनिए आप। आदमपुर के महासंग्राम में आप सबका स्वागत है। आदमपुर के महासंग्राम में हम बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई से, जो भव्य बिश्नोई के पिता हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं भव्य बिश्नोई, और लगातार लंबे समय से अपनी राजनीति आदमपुर से करते आ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हरियाणा में। सर, आदमपुर चुनाव की नौबत क्यों आई? क्योंकि इस इलाके का विकास में बहुत गति बहुत धीमी थी, और मेरे मन में एक चीज थी कि भाई इलाके के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, और ये इतने पिछड़ने के बावजूद भी ये लगातार मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अब सत्ता में हिस्सेदारी करके इस इलाके का खूब विकास करवाऊं, तो वही मेन कारण रहा। अगर बात की जाए आपके जो विपक्ष है, आजकल तो विपक्ष में ही है कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ले जाए, फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवान की बात करें, आपको गद्दार क्यों कह रहे हैं? देखो, सावन के अंधे को हरा नजर आता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे बड़ी गद्दारी वो शाही कांड में करी थी, सोनिया गांधी के कहने के बावजूद भी इन्होंने वो इंक बदलवा के और कांग्रेस पर से गद्दारी की, फिर अपने बेटे को राज्यसभा के एमपी बनाने के लिए कांग्रेस पे दबाव बनाए गद्दारी की, तो सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। एक कहीं ना कहीं चर्चा ये भी चल रही है कि कुलदीप बिश्नोई जो है लगातार 26 साल की अगर राजनीति की बात करें तो आदमपुर विपक्ष में है, और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से विधायक बन जाते हैं, उनका परिवार के अन्य लोग भी विधायक बन जाते हैं, रेणुका बिश्नोई भी विधायक बनी, उसके बावजूद आदमपुर में नजर नहीं आते, ये आरोप आप पर क्यों लगते हैं? देखिए, उन लोगों के पास मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मेरी साफ छवि है, तो यही बोलेंगे जी फोन नहीं उठाता या कम आता है। अब यहाँ के लोगों से पूछिए कि यहाँ के दुख सुख में हमेशा मैं या मेरा परिवार कोई ना कोई आता है। ये बात सही है कि 3 साल में गले कैंसर से पीड़ित था, उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ पाया था आदमपुर में, ये उस समय की लोग बात करते हैं, कुलदीप कम आता है, और अब भव्य को परमानेंट दिया है मैंने। आप भव्य आपकी कमी पूरी कर पाएगा? पूर्ण रूप से, बिकॉज वो मेरे को पूरे स्टेट में जाना पड़ता है, हरियाणा में मुझे राजस्थान तक जाना पड़ता है, तो मैं समय कम दे पाता हूँ। अब भव्य के पास सिर्फ आदमपुर होगा, तो पूरा का पूरा समय वो आदमपुर में लगाएगा और ये कमी पूरी करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र सिंह तो ये कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई NRA है, नॉन रेजिडेंट आदमपुरिया। देखिए, मैं ऐसे लोगों की बात का जवाब, इस पार्टी के लोगों का जवाब जनाब तोहीन समझता हूँ, और मेरा बच्चा अगर 29 साल का है, 25 साल एजुकेशन इंडिया में रही, 4 साल विदेश में गया, तो वो विदेश की एजुकेशन तो एक एसेट है आदमपुर के लिए, कि बच्चा बाहर से 4 साल पढ़ के आया तो उसकी जो काबिलियत है या उसकी जो एक्सपीरियंस है वो आदमपुर में लगाएगा, तो जो छोटी सोच है इन लोगों की। ये 29 साल का युवा और अपने से ज़्यादा उम्र के एक्सपीरियंस लोगों के साथ बढ़ने जा रहा है, तो कैसे देखते हैं इस भिड़ंत को आप? देखिए, मैं अपने आप को देख रहा हूँ भव्य के अंदर, क्योंकि मैं भी ये पहली बार विधायक बना था, मैं भी 29 साल का था, वो भी बाय इलेक्शन था, ये भी बाय इलेक्शन है, तो मैं अपना रूप देख रहा हूँ किस तरीके से मैंने भी धुरंधर हराए थे उस वक्त। तो जयप्रकाश, अक्सर उनका जब नाम आता है तो आप एक जिक्र करते हैं, नकली नोट, क्या है वो मामला नकली नोट वाला? देखिए, लोग यहाँ पर, मुझे तो बहुत पहले पता भी नहीं था, जब अभी नाम इसका चर्चा शुरू हुई तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई एक तो गोयल पंप वाले हैं, उनके 4.5 लाख रुपए देने हैं, कुछ लोगों के 2009 के इलेक्शन मेरे खिलाफ लड़ा जेपी ने, उस वक्त बहुत लोगों को नकली नोट दे गया और बहुत लोगों के हिसाब नहीं किए, जैसे काबरेल के हैं, किशनगढ़ के हैं, आदमपुर मंडी के बहुत लोग हैं, लाखों रुपए देनदारी थी इलेक्शन के दौरान जो खर्चा होता है वो लेके भाग गया। पिछले इलेक्शन में आपके साथ जेपी की अच्छी फाइट देखने को मिली, मात्र 6015 वोटों से आपको विजयी हुई, तो एक अच्छी टक्कर दी, तो क्या लगता है इस बार भी इस प्रकार की कोई टक्कर रहने वाली है? बिल्कुल भी नहीं है, और उसके बाद का चुनाव देखिए, लोकसभा का चुनाव, उसके बाद जेपी ने मेरे खिलाफ लड़ा था, उसकी जमानत जब्त हुई थी, तो कोई नहीं, वो उस समय में मैं हज का पार्टी चला रहा था और मैं आदमपुर में बहुत कम समय दे पाया था इलेक्शन में, तो जो फ्लोटिंग वोटर था वो अपनी ओर करके चला गया, इस बार जयप्रकाश की जमानत जब्त भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।
हजका से कई बार जिक्र आता है, तो ये जिक्र आता है कि कुलदीप बिश्नोई ने जब हजका बनाई, जब कांग्रेस भजनलाल के नाम से इलेक्शन लड़ा गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बना दिया गया, उसके बाद आप नाराज नजर आई, आपने हजका का जो है एक झंडा और डंडा बुलंद किया, उसके बाद आपके 5 विधायक जीत के आते हैं, 5 विधायकों को आप संभाल नहीं पाते, क्या है, क्या मामला था ये पूरा, कैसे वो टूट कर गए? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कुलदीप बिश्नोई को अच्छे ऑफर दिए गए, चौधरी भजनलाल के लिए राज्यपाल का ऑफर था, कुलदीप बिश्नोई को केंद्रीय मंत्री बना रहे थे, और कहीं ना कहीं चंद्रमोहन जी को डिप्टी सीएम जो है वो बनाया ही जा रहा था, वो बने भी थे, तो ये पूरा जो मामला है ये कैसे रहा और क्यों आपको तमाम जो आपके साथी हैं वो छोड़ कर गए? देखिए, सबसे बात तो ये बड़ी बात आपने खुद ही कहा कि मेरे को डिप्टी सीएमशिप ऑफर हुआ, मुझे केंद्रीय मंत्री पद ऑफर हुआ, मेरे पिताजी को गवर्नरशिप ऑफर हुआ, तो इतने बड़े पद ठुकराना कोई बहुत ही बहुत जरूर से ज़्यादा ईमानदार आदमी होगा जो अपने स्वाभिमान को, अपने करेक्टर को प्राथमिकता देता है, लेकिन उन विधायकों को शायद वो जो लालच था वो अपने स्वाभिमान से, अपने चरित्र से, अपने करेक्टर से बेटर लगा। कुछ अफवाहें हैं या चर्चाएं हैं, मैं वो उनका जिक्र करना चाहूंगा, आपसे पूछेंगे वो अफवाह है या चर्चा है। एक अफवाह ये भी, चर्चा ये भी चली हुई थी कि कुलदीप बिश्नोई ने उस समय जो है 300 करोड़ रुपए की मांग की गई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। देखिए जी, मैं तो पैसे देने वाले लोगों में हूँ, हम तो गरीबों में पैसा बांटते हैं, अपने जेब, कोई पॉलिटिशियन जेब से खर्चे नहीं करता, हम जेब से खर्चे करके बाद कोई बहुत गली उठी जेब से बना देते हैं हम लोग, तो ये पैसे की बात तो कोई दुनिया में नहीं मान सकता कि कुलदीप बिश्नोई पैसे मांग सकता है, हम देने वाले लोगों में है। प्रचार कैसा चल रहा है, कैसी तैयारियां हैं, कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी रहने वाले हैं? देखिए, प्रचार बहुत ही अच्छा है, हमारा प्रचार तो 5 के 5 साल रहता है, हम तो नए तो है नहीं यहाँ, प्रचार तो वो करते हैं जो 13-13 साल बाद यहाँ चुनाव वोट मांगने आते हैं। हम बहुत और बात, जहाँ तक मुद्दों की बात है, 3 ही बातों को लेकर हम जा रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली और चौधरी भजनलाल परिवार का इतिहास, इन 3 बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में, जिस प्रकार से 26 साल से विकास की जो गति थी वो रुकी हुई थी, अब आने वाले समय में 2 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार में हिस्सेदारी करने की आप बात कर रहे हैं आदमपुर के लोगों की, तो उन 2 सालों में वो पिछले 26 साल का कोटा पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, और मैं उसका प्रूफ ये है कि ज्वाइन मैंने 4 अगस्त को ज्वाइन किया था बीजेपी, और 2.5 महीने में 530 करोड़ की काम मैंने मुख्यमंत्री से मंजूर करवा लिए, तो अभी 2.5 महीने में अगर 530 करोड़ करवा सकता हूँ मंजूर, तो 2 साल में विकास की तो आंधी आ जाएगी आदमपुर में। बात करें लगातार जिस प्रकार से सत्येंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, वो भी आप पर आरोप लगाते हैं कि लगातार वो बाहर ही रहते हैं, हाथ नहीं आते, कुलदीप बिश्नोई को अगर काम के लिए पकड़ना पड़ता था तो दिल्ली जाना पड़ता था, अब भव्य वो मैदान में ले आए हैं, भव्य के लिए लंदन जाना पड़ेगा। देखिए जी, ऐसे लोगों की बातों को एक परिवार के लोग सीरियसली लेते नहीं, अब क्यों सीरियसली लेते हैं लोगों को, आदमपुर हल्के की जनता जानती है कि भजनलाल परिवार क्या है, उन्होंने कितनी सेवा की और कितनी सेवा कर सकते हैं। एक जिक्र ये भी होता है लगातार, जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई काम करते हैं उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग रही है, विधानसभा में वो नहीं गई, आप कह रहे हैं कि 5.25 करोड़ का आपने काम भी करा दिया, लगातार वो ये आरोप भी लगाते हैं कि जनता की आवाज़ विधानसभा में कुलदीप बिश्नोई ने नहीं उठाई, और भव्य बिश्नोई भी उन्हीं के पुत्र हैं, तो मान के ये चलते हैं कि भव्य बिश्नोई भी इलेक्शन जीतने के अगर जीत जाते हैं तो वो लंदन चले जाएंगे, इस प्रकार के आरोप बहुत लगते हैं। और साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर आपने 520 करोड़ रुपए के सवा 5 करोड़ रुपए सॉरी सवा 5 करोड़ रुपए के काम आपने 4 महीने में कराए हैं, सवा 500 करोड़ माफ कीजिएगा, सवा 500 करोड़ रुपए के आपने काम सिर्फ 4 महीने में कराए हैं, तो आने वाले समय में कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो हैं आदमपुर को मिलनी चाहिए जो पिछले 26 साल से पेंडिंग हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनको जिनकी सबसे ज़्यादा आदमपुर को ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी तो यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है, शिक्षा जो कॉलेज स्कूल है, स्कूल के अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, एक बहुत बढ़िया सत्र का कॉलेज, जैसे बाल संबंध में गर्ल्स कॉलेज मैंने बनाया, मैं आदमपुर में भी चाहता हूँ एक बड़ा कॉलेज बने, ऐसे शिक्षा और स्वास्थ्य ये मेन है, बाकी सड़कें गलियाँ खाड़ बिजली ये तो 530 करोड़ रुपये जो मैंने मंजूर कराए उसमें तकरीबन सारे आदमपुर के खाल बन जाएंगे और जो रह जाएंगे उनको आगे बनवाऊंगा। एक जिक्र ये भी आ रहा है, पोस्टर का जिक्र आया, पोस्टर के ऊपर भी हंगामा हुआ, लगातार जेजेपी नाराज भी नजर आई, गठबंधन का उम्मीदवार आप बता रहे हैं भव्य को, क्या लगता है कि ये नाराजगी कितने दिन रहने वाली है? भाई साहब, नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, ये एक मनधड़क कहानी विपक्ष की थी, जब नॉमिनेशन भव्य ने फाइल किया है उसमें निशांत सिंह जी आए और उनके जिला प्रधान और पदाधिकारी भी आए, अभी भी जेजेपी के लोग हम गाँव में टूर करते हमारे साथ रहते हैं, दुष्यंत आएंगे प्रचार में, अगर हमें पार्टी को जरूरत पड़ी तो उनको जरूर बुलाएंगे और वो आएंगे।
आप बुलाना चाहोगे क्योंकि आपके पुराने प्रतिद्वंदी रहे? अभी इलेक्शन देखते हैं कैसे पिकअप करता है, अगर हमें लगा उनकी जरूरत पड़े तो अवश्य बुलाएंगे, क्या दिक्कत। जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बुलाएंगे, जरूरत पड़ी तो नहीं बुलाएंगे, क्यों टाइम खराब करें उसका। और अंतिम सवाल ये रहेगा, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर के लोगों के बीच जाकर भव्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं 3 साल जो भी कैंसर की वजह से आप लोगों के बीच नहीं आ पाए, या फिर दिल्ली आपका ज़्यादा रहना पड़ता है, या फिर आपको केंद्र की राजनीति करनी है, तो अब आदमपुर में भव्य संभालेगा। और भव्य बिल्कुल परिपक्व जो है वो नज़र आ रहा है, हमने उनके चुनावी जो भाषण है वो सुने, क्या इन धुरंधरों के सामने भव्य टिक पाएगा? बिल्कुल, भव्य की आंधी इन सबको ले उड़ेगी, और ये नहीं कि सिर्फ भव्य ही देखेगा, मतलब मैं भी साथ साथ आता रहूंगा, रेणुका भी रहेंगी, मेरी माता जी भी है, पर मेजोरिटी टाइम भव्य ही देखेंगे आदमपुर को, क्योंकि मैं केंद्र की राजनीति में फोकस ज्यादा करना चाहता हूँ। केंद्र की राजनीति करेंगे या राजस्थान की? नहीं, केंद्र की राजनीति करना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार अटकलें ये भी लगाई गई हैं कि कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र में भेजा जाए, वहाँ का चेहरा चेहरे के रूप में उनको प्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल, और मेरे को कहा भी ये गया है कि इलेक्शन के दौरान रखेंगे, और 37 विधानसभा और 7 लोकसभा बिश्नोई डोमिनेटेड है राजस्थान में, और बहुत प्यार और आशीर्वाद वहाँ मेरे बिश्नोई परिवार के लोगों का है, तो मैं निसंदेह उनसे जाके प्रार्थना करूँगी बीजेपी का साथ दें। एक चर्चा और भी चल रही है, कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि भव्य आदमपुर से लड़ रहा है, वो केंद्र की राजनीति करेंगे, लेकिन बीजेपी की एक नीति रही है परिवारवाद की नीति, वो एक परिवार में एक से ज़्यादा लोगों को टिकट नहीं देते, तो संगठन की राजनीति करेंगे या फिर एक्टिव राजनीति? ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, मेरी जो ड्यूटी लगाएंगे चुनावी लगाएंगे, चुनाव लड़ूंगा, और संगठन कहेंगे संगठन में रहूंगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने तमाम जो बातें हैं वो बताई, और कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई अब आदमपुर की बागडोर संभालने की जो बात है वो कुलदीप बिश्नोई कर रहा है। तमाम जो धुरंधर हैं उनके सामने 29 साल का नौजवान कोई परचम लहरा पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज।